आज जानेंगे हम ऐसे पांच टिप्स लड़की कैसे पटाए। मुझे पिंक चाहिए, पिंक चाहिए। मोहन, अगर तुम उसके साथ रोड पे चल रहे हो, देन मेक श्योर कि वो ऑनकमिंग ट्रैफिक की साइड नहीं चल रही है और वो फुटपाथ के उस साइड है, ताकि अगर कोई गाड़ी इधर उधर चली जाती है, कुछ भी चीज होती है, देन यू आर प्रोटेक्टिंग हर। एक बंदा चूतिया हो सकता है, लेकिन गांडू नहीं जो ट्रैफिक के साइड में चले। हाँ, एक बार की मुंबई मुंबई जैसी जगह हो तो बैच में तो और भी ना चलूं, पीछे से सलमान भाई आ रहे हैं। ना भैया, मैं तो भाई अंदर की साइड ही चलूंगा। मैं भोसड़ी क्या, पागल है क्या? तुम डेट पर बाहर हो एंड इफ द गर्ल इज नॉट वेयरिंग अ जैकेट एंड इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, टेक ऑफ योर जैकेट एंड गिव इट टू हर, शी इज गोइंग टू बी इंप्रेस्ड। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये स्क्रिप्ट कहाँ से चोरी करके ला रहे हो? वहाँ आशिकी मूवी के अंदर पानी गिर रहा था, इन्होंने गिरा दी ठंड, और फिर जैकेट भी दे दो। अजी मेरा लैंड। अभी तुम एक लड़की के साथ डेट पे गए हुए, वहाँ पे बिल आ रहा है। डू नॉट एक्ट लाइक अ चीप पर्सन। वहाँ पे ऐसे मत सोचो कि यार वो लड़की बिल देगी, मैं पैसे क्यों दूँ। एक बंदा भाई इतना स्ट्रगल करके दोस्त के गोटे चाट के उसके बाद उससे गाड़ी लेकर आए, और उसके बाद फिर लड़की से मिले, और उसके बाद बिल भी हम दे, ये क्या है? इसमें इक्वालिटी होना चाहिए। जैसे कि गाड़ी मांग के लाया है दोस्त से, बंदा जैकेट भी लेके आया है, तो लड़की बिल तो दे ही सकती है। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। बी अ मैन, टेक पिक अप द चेक, पे द बिल। दे देगा भाई बिल, लेकिन वहां के बर्तन मांज के। थ्री टॉक्सिक थिंग्स जो मेरे जैसी लड़कियों को बहुत पसंद है। मेरे जैसे लोग क्या होता है? क्या मतलब सब तुम्हारे जैसे हैं? कुछ लोग अलग भी होते हैं। हाँ, मतलब कुछ अलग बोले तो कुछ ऐसे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नंबर वन, गर्ल्स लव व्हेन यू मेक देम वेट। ऐसा नहीं कि तुम आज मिले हो, आज डेट पे गए हो, शाम को टेक्स्ट कर रहे हो, अरे बेबी कब मिलेंगे, प्लीज आई एम डाइंग टू मीट यू। पॉइंट नंबर सेकंड, पहले बहुत सारा अटेंशन दो और फिर भाग। आए हाय, इनके टिप्स और ये कैसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो। मतलब अटेंशन दो और भाग जाओ, फिर कब जाओ, उसके दो बच्चे हो जाए तब? शायद इनकी टिप्स में यही लिखा हुआ है, तभी जाना है जब बच्चा बोले उसका मामा। भी किसी लड़की से पहली बारी मिल रहे हो, ये मत सोचो कि तुम लोग स्ट्रेंजर हो, तुम वैसे ही बात करो जैसे तुम अपने दोस्तों से बात करते हो। क्या मतलब, ये पहली मुलाकात को आखिरी मुलाकात बना दे रहे हैं? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? मैं जब अपने दोस्त से मिलता हूँ तो कुछ ऐसे बोलता हूँ, और पागल से कैसा लग रहा है अपने बाप से मिलके। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। हाँ, अगर मैं यही बात अगर लड़की को कहूँ तो इनके बताए गए जैसे रूल से। 12 seconds later, ये ले भाई, मैं आ गया बीजी माई के चेयर पार्क में, बोलूंगा मिस को पहली मुलाकात में, हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। और पागल सी कैसा लग रहा है अपने बाप से मिलके, बहन के। इनकी यही बकचोदी से परेशान हूँ मैं। आखिर में इन्होंने ये तो बताया नहीं कि लड़की मिलेगी कहाँ से, कहाँ से मिलेगी, बस इनके तो नस नस में बकचोदी है। लगाया माइक और फिर आप भी कर सकते हो ये वाली टिप्स को अपना कर, लड़की को अपना। हाँ, ऐसे भारी आवाज करी और डाल दिया रील पर। Use the concept of escalation ladder. तुम touches को small small steps में break करते हो, जैसे high five, thumb fight करना, हाथों का साइज मेजर करना, छोटे से हाथ हैं इसके कितने, एंड देन धीरे धीरे करके मूविंग टू द किस। पहले उंगली पकड़ो, उसके बाद फिर गले पड़ जाना। हाँ, फिर गले पड़ जाने के बाद जो लोग देख रहे थे उनके ही हाथों से पट्टे पड़ जाना, और फिर ऊपर से वो पुलिस के पट्टे पड़ जाना, फिर उसके घर वालों के भी पट्टे, और फिर अपने खुद के घर वालों के भी पट्टे। मतलब ये लड़की पटाना सिखवा रहे हैं या फिर लोड़े लगवाना? Number 2, while guiding her through the crowd, hold her hand and help her out like crossing a road or any other. क्या मतलब, किसी गांव वाले ने हाथ पकड़ने वाला हाथ पकड़ लिया, मतलब खत्म है भाई। मतलब उसी गेहूं मक्का के खेतों में उसकी कब्र पे गेहूं मक्का उगेंगे हाथ पकड़ने के बाद। 3, जब भी बहुत भीड़ भड़ाके वाले एरिया में हो, जैसे क्लब में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, उसके आगे मत चलो। बॉयफ्रेंड कम कुत्ता ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो तो उसके पीछे पीछे चलेगा ना। हाँ, पट्टा भी दिलवा दे उसके हाथ में लड़की के। Always walk behind the girl so that you can see कोई बंदा बदतमीजी तो नहीं कर रहा उसके साथ। At the same time अपने हाथ आगे रखो और लोगों को हटाते हुए जाओ। बहनचोद, इतनी तो पूनम पांडे की भी सिक्योरिटी नहीं होगी जितनी ये सिक्योरिटी करवा देगा उस लड़की की। She's in this area safe and... अबे तो क्लब ले क्यों जा रहा है जब उसका इतना ही प्रोटेक्ट करना है तुझे? तो दारू पिएगी तो किडनी विडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। इतना ही प्रोटेक्ट करना है तो ये सब बंद करवा उसका। हाँ, वो हुक्का मरवाएगा तो फिर फेफड़े भी खराब। जब भी खाने खाने के बाद बिल आता है, always pick up
the check. Pay the bill. अबे बच्चों, फिर से पे द बिल पर आ गए भाई का इतना कटा है ना, इतना कटा है कि ऐसी झाटू सी टिप्स दे देकर अपने दूसरे बंदों का भी कटवाना चाहता है जितने भी लोग इसको देखते हैं। पे द बिल भाई, ये पे द बिल पे आ ही जाता है घूम फिर के, कभी ये नहीं बोलेगा कि लड़की भी कर दे पे। कंट्रोल कंट्रोल, बस इसका टारगेट ये है कि भाई घूम फिर के लौंडों का कट जाए, हाँ लड़के पे कर दे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और पहली बात तो ये है कि इसने ये नहीं बताया कि लड़की लाएंगे कहाँ से, हाँ लड़की कहाँ से लाएंगे, ये सब बातें बोलने के लिए जो इसने बताई है वीडियो के अंदर। चलो छोड़ो इस बात को, तुम लोग समझ गए ना। तो बस आज के लिए इतना ही, जो भी लौंडे आए थे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मैंने दो वीडियो बनाई है इसके नीचे जाकर, वो वीडियो को भी जरूर जाके देखो। और अब हम बनाएंगे पूरे दो दिन तक मीम वीडियो, कोई रोश फोश वीडियो नहीं भाई, मैं थक गया हूँ और मैं करने वाला हूँ आराम और बकचोदी बहुत सारी गेम खेल के। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।